नीतीश कुमार के करीबी रहे ललन सिंह क्या नए गठबंधन में पड़ गए अलग थलग। बात करेंगे ललन सिंह की। बिहार में ललन सिंह जेडीयू के वो नेता हैं जिनको लेकर राज्य में हालिया सियासी घमासान की शुरुआत हुई थी। एक महीने पहले बीजेपी ने दावा किया था कि ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की वजह से जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। ललन सिंह ने 29 दिसंबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। जेडीयू की तरफ से दावा किया गया है कि ललन सिंह अपने मुंगेर लोकसभा सीट पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद को खुद छोड़ा है। दिल्ली में हुई जिस बैठक में ललन सिंह ने रेजिग्नेशन दिया था, उसके एक महीने के अंदर ही जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई। सहयोगी बदलते ही अब ललन सिंह का निशाना भी बदल गया है। अब ललन सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वे के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे शब्दों में हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाया है। फिर भी ललन सिंह को लेकर बिहार की सियासत में ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि वो अपना पाला बदलकर जेडीयू से अलग हो सकते हैं। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह ऐसा पहले भी कर चुके हैं। ललन सिंह के अलग होने की संभावना के सवाल पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि ललन बाबू को आरजेडी कभी पसंद नहीं करेगी। गोपाल मंडल के बयान में भी ललन सिंह को एक तरीके की भरोसे की कमी नजर आती है, जो इशारा करते हैं कि जेडीयू में ललन सिंह को लेकर हालात सामान्य नहीं है। तो आपको बताते चले, नीतीश कुमार के करीबी रहे ललन सिंह क्या नए गठबंधन में अलग थलग पड़ गए हैं। बिहार में ललन सिंह जेडीयू के वो नेता हैं जिनको लेकर राज्य में हालिया सियासी घमासान की शुरुआत हुई थी। एक महीने पहले बीजेपी ने दावा किया था कि ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की वजह से जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। ललन सिंह ने 29 दिसंबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।